केक सुनते ही मन कर जाता है खाने का, बट बेकिंग पार्ट इज द मोस्ट टीडियस टास्क। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ विदाउट बेकिंग और घर में ही रखे इंग्रेडिएंट से बन जाने वाला केक, दैट इज रस केक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड कुक विद कीर्ति। केक में मैं जो आइसिंग करूँगी वो आइसक्रीम की करूँगी। सो पहले हम आइसक्रीम बनानी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और आधा कटोरी चीनी की डाल ली है। और 1 कटोरी में मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर यानी कि 2 या 3 स्पून कॉर्नफ्लोर के दूध में डाल के घोल बना के, जो हम स्लरी बनाते हैं वो बना के मैंने एक साइड में रख ली है। या फिर आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपको आइसक्रीम की लेयरिंग नहीं करनी है, आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है या कस्टर्ड पाउडर कॉर्नफ्लोर नहीं है, तो आप नॉर्मल रबड़ी बना सकते हैं। जैसे हम दूध को बॉयल करके हम जो गाढ़ा करते हैं वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मिक्स करके मैं इसको बॉयल होने रख दूँगी दूध को, और कम से कम 5-10 मिनट बॉयल होता रहेगा जब, और साइड से हम इसमें स्क्रैप करते रहेंगे मलाई जो बनती रहेगी, और एक जब अच्छा उबाल आ जाएगा तो उसमें हम ऐड कर लेंगे अपनी स्लरी जो हमने कॉर्नफ्लोर की वो घोल बना के रखा है, उसको हम ऐड कर लेंगे धीरे धीरे करके, और मिक्स लेकिन साथ के साथ करते रहेंगे बार बार, और जिससे कि नीचे ना लगे। प्लस हम इसमें थोड़ा सा एसेंस डाल देंगे क्योंकि आइसक्रीम बना रहे हैं तो एसेंस तो लगेगा। वनीला एसेंस डालें, बटरस्कॉच डालें, आपके पास जो एसेंस है आप वो डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डालें। मैं इसमें बटरस्कॉच एसेंस डाला है मैंने 5 to 6 ड्रॉप्स। इसको हम हिलाते रहेंगे और स्क्रैप भी हटाते रहेंगे। 10-15 मिनट बाद ये बहुत अच्छा गाढ़ा हो जाएगा, कम से कम हाफ हो जाएगा 1 लीटर से। तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और इसमें हम थोड़े से अपने ड्राई फ्रूट्स चॉप करके इसको फ्रीज होने रख देंगे 6 to 7 आवर्स एयर टाइट कंटेनर में। अगर आपको आइसक्रीम नहीं बनानी है तो आप नॉर्मल रबड़ी बनाकर कर सकते हैं ये केक। आप इसमें फिर यही बस बॉयल वाला प्रोसीजर होना है उसमें, और कुछ नहीं होगा, ना एसेंस डलेगा ना कॉर्नफ्लोर डलेगा, कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ दूध को उबाल कर हम बना लेंगे। अब हम बनाते हैं अपना केक। केक में मैं चॉकलेट फ्लेवर दूंगी तो मैंने इसलिए 2 कप दूध लिया है एक बाउल में, और उसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लिया और उसको मिक्स कर लिया जैसे हम कॉफ़ी बनाते हैं। इसमें अपने रस डिप करेंगे 1-1 सेकंड के लिए, और इसको जिस भी केक ट्रे में जिसमें भी आपको बनाना है केक उसमें हम बटर पेपर लगा के या कोई भी आप पेपर फॉइल लगा के भी आप रख सकते हैं। अब हमारी जो ये आइसक्रीम जो हमने 6 to 7 आवर्स जमाई थी उसको हम एक बार चर्न कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे मिक्सी में, जिससे कि हमें एक फोमी टेक्सचर मिल जाए, और उसको हम अपने रस का जो हमने बेस बनाया उस पर स्प्रेड कर देंगे। प्लस हम थोड़ी टूटी फ्रूटी कर देंगे, और उसके बाद सेकंड लेयर हम अपना रस का लगा लेंगे डिप कर करके सिंगल रस। और इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप कितना भी बड़ा केक बनाइए, कितनी भी हाइट का केक बनाइए, चाहे आप 4 रस का हाइट पे लेयर करते जाएँ। मैंने 6 रस लेकर लेयर बनाए हैं, 3 लेयर्स बनाए हैं, और हर बार यही प्रोसीजर रिपीट होगा। रस को डिप करें, उसको एडजस्ट करें ऐसे, और उसके ऊपर अपना आइसक्रीम लेयर करें एंड टूटी फ्रूटी डालें या ड्राई फ्रूट्स ही डालें, या आपके पास कोई केक स्प्रिंकल्स हैं तो आप वो डालें। अच्छे से कवर हो जाएगा ये रस बाद में, लास्ट में जब हम इसको कवर करेंगे, थोड़ा फ्रीज रखेंगे करेंगे, तो ये रस जो है आसपास साइड से बिल्कुल नहीं दिखेंगे, प्रॉपर लेयरिंग हो जाएगी, प्रॉपर कवरिंग हो जाएगी। आई थिंक आप व्हिप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ये ठीक ना लग रहा हो तो आप व्हिप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम फ्रीज कर देंगे 1 or 2 आवर्स के लिए, क्योंकि हमारी आइसक्रीम है ये, तो आइसक्रीम को जमना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में हम फ्रीज करते रहेंगे। ये 3 लेयर बना के मैंने फ्रीज करने रख दिया 2 आवर्स के लिए। तब तक हम अपना चॉकलेट गनाश बना लेंगे। चॉकलेट ली एक छोटी मैंने, उसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे और 2 चम्मच चीनी डाल के इसको हम माइक्रोवेव में 10 सेकंड्स के लिए मेल्ट कर लेंगे। डबल बॉयलर पे भी आप कर सकते हैं। और इसमें 2 से 3 चम्मच कोको पाउडर मिला लेंगे। चॉकलेट फ्लेवर देना है इसलिए थोड़ा सा 2-3 स्पून मिल्क डाल के, प्लस इसमें मैंने सिरप डाला है चॉकलेट, थोड़ा डार्क और अच्छा मीठा सा फ्लेवर आ जाएगा इस वजह से। और ये अपने हमने इसके ऊपर इसकी लेयरिंग कर लेंगे, इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे। आप अगर आइसिंग बैग से नहीं करना चाहते, आप नॉर्मल स्पून से डाल के इसको इवनली स्प्रेड कर लें। जब केक एक बार फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद जब ये बाहर निकालेंगे आप, तो ये सॉफ्टनेस पे भी आ जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तो आपका ये प्रॉपर साइड्स जो हैं एक इवनली केक की शेप ले लेंगी।
ऐसे जो आपको लग रहा होगा कि रस्क ऊपर नीचे हो रहे हैं, साइड से कोई साइड में बड़ा है कोई छोटा है, तो वो सब इवनली अपने आप ही हो जाएंगे जब वो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको फिर से हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम अपना कोको पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे, थोड़ा सा पाउडर शुगर से स्प्रिंकल कर लेंगे। आपको जैसे भी डेकोरेट करना है आप वैसे कर लीजिए। मैंने ये चीज़ें अप्लाई करी हैं, थोड़ी शुगर कोटेड सॉफ्ट डाल दी है, जो मेरे पास था सामान मैंने वो यूज़ किया। आपके पास जो सामान है आप वो यूज़ करें। इस पे थोड़ा सा चेरी से डेकोरेट कर लिया, जैम से डेकोरेट कर लिया, चॉकलेट लगा लेंगे। और ये जो मैसी सा हो रहा है इसको हम सब क्लीन करके फिर से थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। एंड आर केक इज रेडी। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज जल्दी जल्दी करें। और नेक्स्ट रेसिपी तक खाते रहिए, खिलाते रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।